बलात्कारी बाबा राम रहीम। हर कोई जानता है कि ये बाबा फिल्म में बनाकर खुद को फेम दिलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। वजह भी यही है कि अब तक खुद को खुदा और दुनिया को ज्ञान बांटने वाला ये बाबा 5 फिल्में बनाकर खूब सुर्खियां बटोर चुका है। लेकिन अब साध्वी बलात्कार केस में 20 साल की सजा पाने वाला बाबा राम रहीम अब कभी भी फिल्में नहीं बना पाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने राम रहीम के आरोपी घोषित होने के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने भी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। राम रहीम बॉलीवुड में अब तक कई फिल्में बना चुका है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। बॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में नजर आने वाले राम रहीम का प्लान बंगाली सिनेमा में एंट्री करने का था। अगर चीजें उनके मुताबिक चलती तो राम रहीम बंगाली फिल्म में हीरो के तौर पर नजर आते। आपको बता दें कि खुद को भगवान बताने वाला गुरमीत इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म लॉन्च करने वाला था। पुरानी फिल्मों की तरह इसमें भी वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जैसे सभी भूमिकाएं खुद निभाते हुए नजर आता। लेकिन अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया जिसके चलते अब वो फिल्में नहीं बना पाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।